आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं श्रुति और राष्ट्रीय हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के बाद अब असम मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भी रैगिंग के मामले और अनुशासनात्मक दोषियों पर कार्रवाई किया गया। आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ स्थित असम मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में रैगिंग का मामला सामने आया है, जिसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए 200 चिकित्सकों को पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। इस संदर्भ में असम मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संजीव कोकाटी ने बताया कि गत 20 नवंबर को असित रोग विभाग में पीजी छात्र पर कुछ वरिष्ठ छात्रों द्वारा विभाग में ही मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए छात्र के परिजनों ने मेल कर शिकायत की थी, जिसके बाद प्रिंसिपल डॉक्टर संजीव काकोटी ने तत्काल उक्त मामले में एंटी रैगिंग कमेटी को जांच करने का आदेश दिया। जांच में एंटी रैगिंग कमेटी के पदाधिकारियों ने दो वरिष्ठ स्नातकोत्तर छात्र को दोषी पाया, जिसके बाद जिनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए डॉक्टर सायक मुखर्जी और डॉक्टर संकेत सारफ 6 महीने के लिए कक्षाओं में भाग लेने और शैक्षणिक विशेषाधिकारों से निलंबित के साथ ही छात्रावास से तत्काल निष्कासन कर दिया गया। रैगिंग जैसे संगीन मामले में असम मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संजीव काकोटी ने के तत्काल कार्रवाई किए जाने पर पीड़ित छात्र के अभिभावकों ने उनका धन्यवाद ज्ञापन किया। और हम लोगों का उस समय पूरा सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि इंडिया का हर जगह से हम लोग का स्तुतन आता है, हर भाषा का आता है, हर जगह का आता है, तो हम लोग सतर्क रहना पड़ता है उसको वेलफेयर के लिए। और कोई ऐसा कुछ हेरेसमेंट का बात होता है, हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। ऐसा कुछ एक कंप्लेन हमको मिला था 20 तारीख को मिला था। एक एल्डर ब्रदर एक पीजी स्टूडेंट ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट का, उसका एल्डर ब्रदर ने हमको ईमेल किया था। उसको रात डेढ़ बजे तक वार्ड में काम करवाया गया है, उसके लिए उसके ऊपर मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट हुआ है। ये जो डिपार्टमेंट में हॉस्टल में नहीं है। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।